अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के वीडियो और टेस्ट सीरीज़ में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देख रहे हैं हश्तुम यानी आठवीं स्कॉलरशिप के वीडियो और टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का मौजू। आज का हमारा मौजू है उर्दू ज़बानदानी निसाब का तारुफ, यानी उर्दू ज़बानदानी का एट स्कॉलरशिप का जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर हम सरसरी नज़र करेंगे। यहाँ देखिए हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से इम्तिहान की हैयत होती है। देखिए मज़मून उर्दू के लिए है, 25 सवालात होते हैं और उसके लिए कुल 50 मार्क्स होते हैं और हमें कुल पेपर के लिए 1 घंटा 30 मिनट होते हैं। तो यह है उर्दू के लिए 50 सवालात का सिलेबस। और सवालात की जो मुश्किल सतह है वो है आसान नवियत के सवालात 30% होते हैं, दरमियानी नवियत के सवालात 40% होते हैं और मुश्किल नवियत के सवालात 30% होते हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रा सी मेहनत और थोड़ा हार्डवर्क करके हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि एग्ज़ाम सिर्फ स्कॉलर बच्चों के लिए होते हैं, ये सभी तरह के बच्चों के लिए होते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं। देखते हैं उर्दू ज़बानदानी का हमारा निसाब किस तरह का है। यहाँ देखिए यह है उर्दू जहाज के अहम मौजूद, कुल सवालात है 25 और कुल नंबरात है 50, यानी हर एक सवाल के लिए हमें 2 नंबर हैं। यहाँ पे हमें इकाई यानी यूनिट दिए गए हैं और यहाँ पे ज़ैली इकाई यानी सब यूनिट दिए गए हैं। हमारा पहला यूनिट है फहम व अदराक यानी तफहीम। इस हिस्से से 24% यानी सिर्फ 6 सवालात पर्चे में शामिल किए जाते हैं, यानी यहाँ पे हमें ये जो फहम और अदराक का यूनिट है इसमें से 6 सवालात पूछे जाते हैं। इसके अंदर 4 सब यूनिट है, पहला इबारत और उस पर मुनसिब सवालात, एक इबारत दी जाती है और उस पर सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है सब यूनिट नज्म और इस पर मुनसिब सवालात, एक नज्म होती है और उस पर मुनसिब सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद है मरबूत जुमलों की इबारत, मरबूत जुमलों की इबारत हमें दी जाती है। मकालमा और इस पर मुनसिब सवालात, मकालमा होता है और उस पर मुनसिब सवाल होते हैं। दूसरा यूनिट है ज़खीरा अल्फाज, इस पर भी 25% यानी सिर्फ 6 सवालात पूछे जाते हैं। इसमें कुल 8 सब यूनिट है, पहला है हम मानी अल्फाज, उसके बाद है मुतजाद अल्फाज, सेहत अल्फाज, तमसीली अल्फाज, लफ्ज़ों के मजमू के लिए एक लफ्ज़, मुहावरे, कहावतें यानी ज़रबुल मिसाल और गैर उर्दू अल्फाज वो इस्लाहत। तीसरा है आम कवायद, इसमें 11 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो यूनिट है सब यूनिट है वो है हुर्फ़े तहजी और एराब, जोड़ अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज और दोहरे अल्फाज। उसके बाद है लफ्ज़ की किस्में, उसके बाद है इस्म और इसकी किस्में, ज़मीर और इसकी किस्में, सिफत और इसकी किस्में। बाद है यूनिट जारी रहेगा, ये सब यूनिट है इसमें फेल और इसकी किस्में, मुतालिक फेल और उसकी किस्में, हुर्फे जार, हुर्फे अत्फ, हुर्फे फजाइया और इसकी किस्में। उसके बाद है जिन्स यानी मुजक्कर मोनस, उसके बाद है तेदाद यानी वाहिद और जमा, उसके बाद है हुर्फे रब्त और लफ्ज में तब्दीली। फिर है मुनसरफ वो गैर मुनसरफ अफआल, जुमला की किस्में 13 किस्में है जुमलों की, वो 13 की 13 किस्में हमें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में शामिल की गई है। रमज़ो अवकाफ, अलामत अवकाफ, ज़माना और इसकी किस्में, लफ्ज़ों का जोड़ और इसकी किस्में, सनाए वो बदाए। उसके बाद आखिरी सब यूनिट है बैर वज़न यानी इल्म उरूज़, और चौथा यूनिट है उर्दू अदब से मुतालिक आम मालूमात, जमात अव्वल ता हश्तम उर्दू मज़मून से मुतालिक आम मालूमात पूछी जाती है। इन आम मालूमात में अदब और असनाफ अदब, शेर व नसर, मुसन्निफ, शायर और इनकी तखलीस व अलकाब पूछे जाते हैं। इस हिस्से से 8% यानी सिर्फ 2 सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाते हैं। यानी उर्दू ज़बानदानी का हमारा जो निसाब दिया गया है स्कॉलरशिप में वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं अभी तक हफ्तम जमात तक और आगे हमें ज़रा सी मेहनत करनी है। तो हम इसके एक एक सब यूनिट के वीडियो और उस पर मुनासिब टेस्ट अगले बार आपके लिए पेश करेंगे। ये था निसाब।
हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।